नहीं करते जिनके केस कोर्ट में है। जैसे कोई केस 8 से 8-10 साल पहले का उसने घर बना लिया, तब कौन था, हम लोग नहीं थे, तो उसका उसने स्टे लिया होगा कोर्ट से। स्टे लेने के बाद अगर उसका स्टे वकेट हो गया है वहां से ट्रिब्यूनल से, 3 महीने हो गए हैं या 4 महीने हो गए हैं, हमें उसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ती है कॉर्पोरेशन को। अगर नहीं करेंगे तो चीफ जस्टिस साहब हमें तो नहीं, हम इलेक्टेड लोग हैं, लेकिन जो हमारे कमिश्नर हैं, जब वो हैं बार बार उनको वहां खड़ा करते हैं, तो ये 32 केस आपके फेवर में हुए, इनका क्या किया, जब 22 केस हुए, कुछ भी बात है, तो किसी को भी नजायज। हम जम्मू वासियों के सहयोग से उन्होंने चुनके हमें यहां भेजा हुआ है। अगर आज इतनी स्वच्छता की तरफ बढ़ रहे हैं तो सारा उनका ही सहयोग है। अगर सिटीजन हमें जम्मू शहरी सहयोग नहीं करें तो हम कैसे ये 169 रैंक पे पहुंचते थे। मैं मीडिया मित्रों के आपके द्वारा जम्मू वासियों को ये विश्वास दिलाता हूं, किसी के साथ कोई गलत कार्रवाई नहीं होगी। अगर किसी के साथ गलत कार्रवाई होगी या गलती से हो गई है, कभी कभार गलती भी होती है, अगर गलती से भी हो गई है, अगर किसी का नुकसान होगा, उस नुकसान को भी कॉरपोरेशन भुगतेगी। तो आने वाले समय में हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे शहरवासियों को नुकसान हो, और शहरवासी भी जिन लोगों का कोई ऐसा कोटू में केस है उसका फॉलोअप करें, उसको देखें, कोई ऐसी बात है जहां कोई हम लोग हेल्प कर सकते हैं। अब आप लोगों ने हमें चुनके यहां भेजा हुआ है, कोई ऊपर से हम लोग आए नहीं है, आपके भाई हैं हम लोग, तो आप हमें हमारे सियान में लाए जहां हम लोग आपकी मदद कर सकते होंगे, जैनुअन मदद करने का प्रयास करेंगे। मेरा यही कहना।